देश को समझाना है मुझे या अपनी तरह के अनपढ़ वकीलों को समझाना है। अच्छा, तो एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट आपने कहा बेशरम है, दूसरी तरफ आपने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत सी बातें कही, तो ये बात क्या हो रही है? अब ये आप एक सियासी जो है उसमें सियासी अखाड़े में आ गए हैं या अब एक पॉलिटिकल बैटल है? किसी सियासत में मैंने आज भी ये कहा है कि मैं सियासत से जो है ये बातें सियासी नहीं है और न मेरा कोई सियासी एजेंडा है, मेरा कोई सियासी एजेंडा नहीं। मैंने सिर्फ ये कहा कि एनआरओ की जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो मैं खत देखना पड़ेगा, वो खत देखना है। मैंने सिर्फ उस खत की बात की है और मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बाइंडिंग है और ये कहना कि हम नहीं देखेंगे और हम नहीं मानते तो ये जंगल की बात है, ये सिविलाइज्ड वर्ल्ड की बात नहीं है। ये तो जंगल का कानून हो गया कि इजाजत कुछ भी मैं नहीं मानता, तो मैं नहीं मानने वाली बात जो है मैंने ये कहा है कि मैं नहीं मानता वाली बात नहीं हो सकती। आपने प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कहा कि वो भी पैसा खाते हैं, उनकी बीवी भी खाती है और उनका बेटा भी खाता है, ये आपके पास एविडेंस है, ये आप किस बेसिस पे कह रहे हैं? मैंने कहा कि लोग कहते हैं, मैंने ये कहा कि लोग कहते हैं कि पोस्टिंग ट्रांसफर भी जो होती है उनमें भी पैसे दिए जाते हैं और अगर कभी एविडेंस की बात आई तो कुछ ऐसी बातें मेरे नोटिस में आई भी हैं, कुछ ऐसी आई भी हैं जहाँ जिनमें एनएचए के चेयरमैन की पोस्टिंग की एक बात मुझे किसी ने बताई थी और कुछ और ऐसी पोस्टिंग ट्रांसफर हैं जिनकी मुझे लोगों ने लिखे भी हैं, खत जी ठीक है काजी साहब, मुझे लोगों ने खत भी लिखे हैं इस किस्म के। अच्छा, लोगों ने आपको खत भी लिखे हैं तो फिर लोग कुछ लोगों ने मुझे खतूत भी लिखे हैं कि फ्लैट ट्रांसफर क्यों हुई है। ठीक है, ये कहने की जानते हैं काजी साहब, पोस्टिंग क्यों हुई है, मैरिट को क्यों अभी काजी साहब, जहाँ तक कहने की बातें हैं लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद आपको कहीं से जीएचक्यू से या शायद आईएसआई से कोई आगे लगा रहा है, कहने की बातों की तो बात फिर उसके वजन नहीं। जहाँ तक जीएचक्यू आईएसआई का है, मेरा जिंदगी में कभी भी मैं ना किसी एजेंसी के एजेंट रहा हूँ और न किसी एजेंसी से मेरे मरासम है और न मैं किसी से खुफिया में। अच्छा, आखिरी आपसे सवाल है, ठीक है, मेरी जो जिंदगी है वो बहुत साफ सुथरी जिंदगी है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप तो वकील हैं, आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें खुद सकत है कि जो केसेस हैं उनको निपटाए, ये क्यों जरूरत पड़ी है आपको कि आप, हमें तो लगता यूं है कि आप मैदान में उतर गए हैं एज फुट सोल्जर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आपको जैसे भी लगता हो, मैं तो आपके जहन पे काबू नहीं कर सकता, आपको आपकी अपनी सोच है, आपको लग भी सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है हमने ये कहा है कि ये हमारी ड्यूटी है, मैं जो है मैं सुप्रीम कोर्ट बाल का फैसला रखूँ और ये बाल का फैसला था कि हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ एक नया शब खून न मारे कोई। और ये कोई बहुत सी बातें अभी वजीर आजम ने चंद दिन पहले कहा है कि आवाम कौन होते हैं, ये आवाम की ताकत तो नहीं है, ये तो मेरा एग्जेक्टिव ऑर्डर था। एक दिन पहले उन्होंने फरमाया कि ये तो मैंने एग्जेक्टिव ऑर्डर से कर दिया था, उसको अभी तौसीक की जरूरत है पार्लियामेंट में। तो ये कुछ कुछ कभी कभी सोचे छोड़ते हैं वजीर आजम साहब। तो चलिए, आपको लग रहा है कि वजीर आजम साहब देना चाहते हैं आपको, मुझे उन मैसेजेस का जवाब देना था। अच्छा, आप इसका जवाब दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। आप लोगों ने सुनी ये गुफ्तगु जस्टिस साहब, ये क्या हो रहा है? ये तो बिल्कुल हमें तो लगता ही है कि ये अपने आप को फुट सोल्जर्स बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए, ये तो बड़ी अजीब सी एक सिचुएशन है। पहले तो सिर्फ खदशात की बात थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो लोग खदशात थे और जिनके बारे में पूछते थे कि भाई कोई बात भी तो करें, तो मेरा ख्याल है चाहे काजी साहब ने मासूमियत से बात कर दी या भोलपन में, तो लेकिन नहीं गुजारिश है, नहीं मैं थोड़ा सा बेनिफिट डाउट दे रहा हूं, लेकिन वो जिनके खदशात थे वो कुछ दुरुस्त है। मेरे साथ दो चार बातें, देखें बेगैरत बहुत ही सीरियस लफ्ज है, बहुत ही सीरियस लफ्ज, और आपने मतलब होल सेल ये लफ्ज इस्तेमाल किया किसी एक आदमी। दूसरी बात है, आप जो है ना बिहेवियर जो है सिविलाइज बिहेवियर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं सिखाऊंगा। अच्छा, यस, तो बात ये है कि पहले मुझे, मैं दूसरों की बात तो नहीं करता, कमजोर आदमी हूं और वैसे भी आजकल तो हमारे कपड़े उतरते हैं, तो मैं पहले खुद जो है पहले मैं खुद सीखूं तो फिर किसी को सिखाऊं। फिर दूसरी बात है, ये कहते हैं ड्यूटी। देखिए दो बातें, आज की तकरीर जो है उसका तो दो पहलू निकलते हैं, जैसे कि एक लफ्ज आपने इस्तेमाल किया वहीं से बारो कर लेता हूं ताकि
कि कल को मुझ पर एतराज हो तो मैं कहूंगा जी बीबी से बारो किया था कि ये फुट सोल, दो बातें, या तो ये तकरीर की है फुट सोल्जर की है, अगर ये फुट सोल्जर की है तो मेरा ख्याल है कि इस तरह जो है ना जुडिशरी को लेट डाउन किया, जैसे कि आपने खुद फरमाया कि देखिए उनको इख्तियार मौजूद है, अगर वो फैसले कर रहे हैं 17 जज साहबान बैठे हैं, सोच समझ के फैसले किए होंगे, अगर वो मोहताज हैं 2000 वकला के जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, तो फिर उस जजमेंट्स का क्या किया जाए, उनको इख्तियार खुद कर लेंगे, ये नहीं करना। दूसरी बात यह, ये स्पीच फिर पोलिटिकल स्पीच बन जाती है, अगर ये पोलिटिकल स्पीच है मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरा ख्याल मैदान में आ जाए। बार एसोसिएशन तो किसी सियासी जमात से कम तो नहीं दिखाई दे रहा। देखिए अपना नसीम, बात यह है कि जुडिशरी को किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की, ना अवाम नास की, उनको सिर्फ एक सपोर्ट की जरूरत होती है जिसके वो करते हैं, वो लॉ की। लॉ अगर उनके फैसलों के साथ चल रहा है तो दैट इज द रियल सपोर्ट। बाकी ना जो न्यूमेरिकल बेसिस पर फैसले होते हैं, ये नहीं है कि अगर कंप्लेनेंट जो है वो 500 आदमी ले आया कोर्ट में और जो मुद्दा ले है वो 200 है तो उन्होंने गिन के कहा ये 500 है इसके हक में फैसला कर दो। जुडिशरी के फैसले ना न्यूमेरिकल स्टैंड पर होते हैं, ना गली बाजारों की नारेबाजी पर होते हैं, वो तो फैसले होते हैं मेरिट पर। अहम बात है, उन्होंने ये फरमाया काजी साहब ने कि अगर कौम कहे कि फैसला ठीक है तो फिर फैसला ठीक है। अब कौम तो ये चाहती है कि हम दिल्ली पे जाके रेड फोर्ट पे अपना झंडा लहरा दें, कौम के ये भी चाहती है कि श्रीनगर हम कैप्चर कर लें। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन आदमी को जो पसंद है वो फैसला करना है तो फिर आइन की क्या जरूरत है, फिर पहले वोट। मैं दो बातें अर्ज करना चाहता था, मैं काजी साहब की तकरीर सुन के बड़ा हैरान हुआ, मेरा नहीं ख्याल था इस हद तक ये गुफ्तगू करेंगे। एक तो लफ्ज़ फुट सोल्जर, एक और बड़ा काम हो रहा है आजकल, हर हफ्ते हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक वफद से मिलते हैं, वो वफद कभी ग्वादर से शुरू होता है, कभी इस मुल्क की तारीख में कभी ये नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बुलाए और उनसे मिले। क्या है उनका, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं है जिनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, ये प्रेसिडेंट नहीं है, नेवर, दिस नेवर हैपेंड बिफोर, माजी में नहीं हुआ। दूसरी बात, वो एक यहां कॉन्फ्रेंस करते हैं, यहां जुडिशियल कॉन्फ्रेंस, जिसमें सिविल जज लेवल तक लोग आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? हमें ये बताया जाता है जो वो है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हुकूमत ये चाहे कि जिसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस करें, और अगर कोई वो रेफरेंस डालना चाहे कुछ जजेस के खिलाफ, तो ये आर्मी है उस जो रिएक्ट करेगी। ख्याल ये है कि अगर ऐसी कोई बात की तो गवादर से लेके क्लिफ्टन से लेके खैबर तक हर सिविल जज अपना कलम नीचे रख देगा, दैट इज द थियरी। दूसरी बात, इमेजिनेशन सर, दिस इज व्हाट पीपल, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट दे इमेजिनिंग। दूसरी आप ये देखें, मैं उस दिन भी अर्ज किया कि सुप्रीम कोर्ट को मीडिया विंग की क्या जरूरत है, हमें आज तक ये बताया जाएगा वी जजेस आर नोन थ्रू देयर जजमेंट्स, जजेस कीप देयर माउथ क्लोज एंड दे आर नोन थ्रू देयर जजमेंट्स, नाउ वी हैव जजेस हु आर मेकिंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग and every observation is printed in the newspaper, so isliye mere kyunki they want it printed, humne to kaha tha ke ban kare ilawa judgment ke aap ban kare jo is tarah ki activity hai media se, acha phir the judges have taken over the cases, wo karachi mein ek abasi sahab vakil the, wo ek judge sahab ke samne pesh hue, to unhone kaha my lord you may begin, to kehta case to tumhara hai, kehna since you are going to take it over you might as well start, now judges have taken over the cases, nahi nahi purani baat ab aise bahut ho ye, now they have taken it over, if you go and sit taken over what the case, yani vakil kya bahas karta hai, आप क्या देखते हैं, यू हैव वन जज मेकिंग वन ऑब्जर्वेशन, यू हैव द सेकंड जज मेकिंग ऑब्जर्वेशन, यू हैव अ थर्ड जज मेकिंग ऑब्जर्वेशन, यू हैव अ फोर्थ जज मेकिंग। इसलिए आज से 25 साल पहले लाहौर में एक हमारे बुजुर्ग थे, वो कहा करते थे कि हर जज के पीछे, ये 30 साल की बात है जी को खफा ना हो, कि हर जज के पीछे एक चौबदार खड़ा होना चाहिए जो उसके मुंह पे हाथ रखो। देखिए उस जमाने के जजेस तो इतना बोलते भी नहीं, ठीक है ना, उस जमाने में भी ये ख्याल था कि कुछ जज बोलते हैं, याद है ना, मैं उस वक्त तो उनके फोन भी नहीं होता था उनके चेंबर में, आप तो अब तो हर जगह पुरानी बात करें, पुरानी बात करें, द होल थिंग इज चेंज, इट्स वेरी स्ट्रेंज
एंड और द वे केसेस सम केसेस आर बीइंग कंडक्टेड, मसलन जो हिस्टोरिकल जजमेंट है 31 जुलाई 2009 वाली, कैसे हो सकता है कि हामिद खान साहब पेश हों इस अदालत के सामने जहां चीफ साहब बैठे हुए हैं। आर्टिकल 4 कहता है कि अगर एक जज के ताल्लुकात एक पार्टी के वकील के साथ ज्यादा हैं बनिस्बत दूसरी पार्टी के, ही मस्ट रेजोल्यूटली डिक्लाइन। आर्टिकल 4 कहता है अगर जज का तो उनके क्या ताल्लुकात हैं उनसे, हामिद खान उनका वकील है, हामिद खान उनका सपोर्टर है, हामिद खान उन लीडर है उस मूवमेंट का जिसको उनको वापस लाया गया, कैसे सुन सकते हैं उसके वो तो केस ये में? भी लीडर थे, वो तो खाली हामिद खान नहीं थे। नाज़रीन इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। हम देखेंगे कि हुकूमत की तरफ से क्या कोई कोताहियां हो रही हैं जिस वजह से ये माहौल पैदा हो रहा है, ब्रेक के बाद।